तो भाई ये हमारे ड्राइवर हैं और ये हमारी जीप है जिसपे हम जा रहे हैं सैफुल मुलुक। चल भाई चलते हैं। और भाई घुसे, आओ ना, घुसो अंदर, घुसो घुसो घुसो। नारायण बाजार, जहां पर रात गुजारने के बाद और सुबह सुबह बेहतरीन सा नाश्ता करने के बाद अब हम रवाना हो चुके हैं झील सैफुल मुलुक की जानिब। दोस्तों सैफुल मुलुक जाने के लिए आपको एक जीप करवानी पड़ेगी जो मकामी ड्राइवर चलाए तो ही बेहतर है। यहाँ के ड्राइवर बहुत ही खुश अखलाक होते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत कर दे तो खूबसूरत कलमात भी अदा करते हैं जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। दोस्तों सैफुल मुलुक जाने वाला रास्ता बहुत ही एडवेंचर वाला है। इब्तदा में तो आपको बहुत आसान ट्रैक मिलेगा, लेकिन बाद में इंतहाई खतरनाक रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन यार सच में मजा इसी का ही है। दोस्तों नारायण टू सैफुल मुलुक तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है, लेकिन पथरीला ट्रैक होने की वजह से ये सफर आपको 30 किलोमीटर से भी ज्यादा लगेगा और इस सफर में आपकी हालत टाइट हो जाएगी। कितनी टाइट हो जाएगी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। यार बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान में जगह जगह पर बेहतरीन किस्म के ट्रैक्स बिछा देंगे, उसके बावजूद नारायण टू सैफुल मुलुक क्यों नहीं बिछाया जा रहा। इसकी सिंपल सी वजह दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि नारायण में रहने वाले 70% लोगों का जो रोजगार है इन्हीं जीपों से चलता है। तो आप इमेजिन करें अगर यहाँ पे रोड ट्रैक बिछ जाता है तो इन जीपों वालों का तो रोजगार बंद हो जाएगा, लोग खुद ही नारायण टू सैफुल मुलुक चले जाएंगे, तो ये हजारों जीपों वाले जो हैं बेरोजगार हो जाएगा। तो भाई इनका भी तो सोचो ना यार। इस जीप में आप आराम से 7 से 8 बंदे बआसानी बैठ सकते हैं, लेकिन ये 7 से 8 बंदे आपको गिरते पड़ते नजर आएंगे क्योंकि पथरीला ट्रैक और आप आगे पीछे होते रहेंगे और आपके जिस्म के पुर्जे आगे पीछे हो जाएंगे। बिलाखिर 2 घंटे इस ट्रैक पे ट्रैवल करने के बाद आप पहुंच जाते हो सैफुल मुलुक। और अगर आप समझ रहे हो कि भाई आप ही सैफुल मुलुक जा रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि पार्किंग एरिया में आपको हजारों जीप्स दिखेंगी और बिल्कुल इतवार बाजार वाला माहौल वहां दिखेगा। दोस्तों हम लोग नारायण से डायरेक्ट पहुंच चुके हैं सैफुल मुलुक पे, और सैफुल मुलुक पे आपको आना पड़ेगा इस जीप के ऊपर। ये जीप आपको मिल जाएगी 2500 से 3000 के ऊपर, आराम से आपको डायरेक्ट बहुत ही पथरीला किस्म का ट्रैक है। बहुत अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं ना तो आप इस ट्रैक पे आए, और अगर आप इस जीप में आ रहे हैं तो आपको मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। तो 2500 से 3000 में आराम से आप ये जीप करवा लेंगे और फिर आप पहुंच जाएंगे झील सैफुल मुलुक जो कि मेरे पीछे आपको दिख रही है। तो अभी मैं करीब से आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ये वो एरिया जहाँ पर सैफुल मुलुक से निकलने वाला पानी पहाड़ों की तरफ बहता चला जाता है और लोग यहाँ खड़े होकर ठंडे पानी के मजे लेते हैं। कोई बात नहीं यार, लेने दो। वो कहते हैं ना यार, झीलों का एक जहां हो जहां अपना मकान हो। खैर ये मुमकिन तो नहीं,
आप आवाम देख रहे होंगे यार, अच्छी खासी आवाम है यहाँ पे पीछे। मैं रस्ते में खड़ा हो गया, कुछ लोग तंग हो रहे हैं, इस वजह से मैं उड़ गया हूँ। तो आप सैफुल मुलुक देखें पीछे, करीब चल के मैं आपको पूरा टूर भी इसका कराऊंगा, तो मजीद आप ड्रोन शॉट्स वगैरह भी देख लेंगे। तो आजकल असल में सीजन चल रहा है, तो आवाम बहुत ज्यादा यहाँ पे आई हुई है। तो रस्ते वस्ते में अगर बंदा खड़ा हो जाए ना, तो एक एक बंदा आपके मुंह पे देखता है कि भाई ये क्या हरकतें कर रहा है। तो चलते हैं मजीद वीडियो की जाने, फिर सैफुल मुलुक करीब से दिखाते हैं। इन खूबसूरत वादियों में आकर इन बादलों से आपका नाता जुड़ जाता है। तो भाई ये सैफुल मुलुक के साथ साथ हम चल रहे हैं, असल में हम वो वहां तक जाना चाह रहे हैं, आगे थोड़ी सी बर्फ है तो वहां पे चल रहे हैं। असल में रास्ता बहुत खुरदरा है, तो शूज की वाट लग रही है, तो हमने बोला यार वहां तक चलते हैं, भले कुछ भी हो जाना तो है यार, कराची से आए तो दूर से, तो ऑब्वियसली वहां तक पहुंचना तो चाहिए ना। तो मेरे साथ रहिए, सैफुल मुलुक साथ साथ है, हम भी आपके साथ साथ हैं। तो यार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, तो मजीद ब्लॉग भी आएंगे इंशाल्लाह। नॉर्दर्न एरियाज का जितना टूर कर रहा हूँ, तो बालाकोट का भी आएगा, उसके बाद नारान कागान का भी आएगा, सैफुल मुलुक से रिलेटेड भी आएगा, तो सारा कॉन्टेंट एक साथ ही अपलोड करूँगा। तो स्टे ट्यून यार, स्टे ट्यून। तो हामिद भाई मेरे साथ साथ हैं, एकदम से गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ। इधर आए ना सर आप, तो थोड़ा सा हामिद भाई को शौक है कि यार बर्फ शर्फ देखनी है, तो ये इसकी वजह से हमें वहां तक जाना पड़ रहा है, वरना बर्फ हमारे फ्रिज में भी होती है। ठीक है, तो हामिद भाई बर्फ से फ्रिज ले आता ना, फ्रिज में से बर्फ ले आता। तो जीप में मेरा गुर्दे आगे पीछे हो गए, तो खतरनाक झटके मारे जीप वाले ने। मैं समझा था ये ट्रैक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे क्या पता, टोटल ऑफ रोड सीन था, टोटल। अगर आप ज्यादा खतरों के खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं और अपनी गाड़ी वाड़ी घुसेड़ना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपने आप को नुकसान में फंसाएंगे। ठीक है, तो मेरा मशवरा यही है कि चुपचाप करके जीप में आए, 2500-3000 में जीप हो जाएगी और आराम से सैफुल मुलुक भी आप घूम लेंगे, तो बेहतर यही होगा, वही बस नॉर्मल रेट में हो जाएगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो बस इंशाल्लाह सैफुल मुलुक के थोड़े से ड्रोन शॉट्स आपको दिखाते हैं आगे चल के, तो आप मेरे साथ रहिएगा। ये हरियाली भी साथ साथ है और सैफुल मुलुक भी साथ साथ है, और मैं भी आपके साथ साथ, मैं भी साथ साथ हूँ भाई, और ये बंटी भी साथ साथ है। यार मैं बैठा हूँ सैफुल मुलुक के किनारे, एक छोटी सी कुर्सी मुझे मिली है, तो मैंने बोला यार यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा नज़ारा करा देते हैं। असल में आवाम इतनी है ना यार, कहीं बैठने की जगह नहीं मिल रही, तो सैफुल मुलुक के किनारे बैठेंगे आपको तो यार आपको और ही सुरूर आएगा, प्यारी प्यारी सी आवाज़ आएगी, और ये समंदर का कलर आप चेक करें, इतना खूबसूरत है, मतलब आप खुद देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो सैफुल मुलुक मशहूर ही इसी वजह से है कि इसके अंदर डायरेक्ट डीप आती है, और ऐसी डीप आती है कि अगर आप समझ रहे हैं ना, आप बहुत बड़े स्विमर हैं यार, बहुत बड़े बाप लगे हुए हैं, तो आप डूब जाएंगे। तो इस झील में काफ़ी लोगों की जाने वैसे भी ज़ाया हो चुकी हैं, तो आप आएँ तो आप एहतियात करें और आराम से इस जगह को एक्सप्लोर करें। आगे बर्फ़ है वो भी आप देख के आ सकते हैं, मसला नहीं है। यार तो फाइनली यार थोड़ी सी बर्फ दिख गई है पीछे, देखें मेरे, तो यार ये सारी बर्फ शर्फ आपको दिख रही है। तो आवाम यहाँ पे ना वो क्या नाम है, झूले झूले ले रहे हैं, स्लाइडिंग व्लाइडिंग कर रहे हैं, तो मैं वहाँ तक नहीं जाऊँगा क्योंकि यार मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, तो मुझे यहाँ से निकलना है। तो मेरे साथ रहिए, मज़ीद आगे चलते हैं, तो मज़ीद आपको भी स्नो भी दिखाएंगे अगर दिख गई तो। ठीक है, बकिया हमारा ब्लॉग पूरा बनेगा इंशाल्लाह, सैफुल मुलुक को सही तरीके से एक्सप्लोर करूँगा, तो लेट्स गो। खूबसूरत मंजर है, आवाम यहाँ पे बेतहाशा है, मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ तो इसी वजह से आपको मतलब कम लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, वरना आप मेन पॉइंट पे जाएंगे तो आपको इतने ज़्यादा लोग दिखेंगे ना, आप बोलोगे कि यार बहुत रश है। तो मेरा ये कहना है कि यार साल में एक दफ़ा लाजमी कराची की ट्रैफिक को, कराची के मसलों को, परेशानियों को छोड़ कर आएँ और यहाँ पर विजिट करें। यहाँ पर ट्रैक बहुत मुश्किल है, अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आना चाह रहे हैं तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से ये जो नारायण वाला रास्ता है ना, ये गाड़ी वाला रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी जीप पे आ सकते हो। जीप का रास्ता बहुत खूबसूरत है, इतना मजेदार है, यकीन करें अगर आपने खाना खाया ना आपको वॉमिटिंग हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप नारायण कागान से सैफुल मुल्क की तरफ से ट्रैवल की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो बरह मेहरबानी खाना खान के नहीं आए, क्योंकि इतने खड्डे हैं ना, आपकी जीप में बैठे बैठे ना आपका गुर्दे हिल जाएंगे। तो भाई मजा बहुत है, लेकिन यार इसी को एडवेंचर कहते हैं। तो यार हमारा ये जितना भी यार शूट था मैंने कर लिया सैफुल मुल्क पे। अब हमारा जीप वाला जो है ना गुस्से हो रहा था, क्योंकि मैंने उसको टाइम दिया 2:15 पे हम वापस पहुंच जाएंगे। अब ये खड्डों वाला पूरा एरिया है, क्रॉस करके मुझे उसके पास जाना है। तो अब हम निकल रहे हैं नारायण कागान, क्योंकि सैफुल मुल्क को हमने सही तरह से पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। तो चलते हैं इंशाल्लाह सैफुल मुल्क से, अब निकलते हैं। जीप वाला भाई ये ना हो के गुस्से हो जाए, तो पहुंचते हैं फिर। खाना वाना भूख बड़ी लग गई है, तो मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। यार ये हमारे चाचा जी हैं जो कि हमें हर तरफ ढूंढते फिर। तो भाई हम लोग यहाँ से निकलने लगे हैं, ठीक है। इल्तजा इतनी है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और पहले कंसूल कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।